आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। डॉक्टर साहब, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का ग्राफ लेके आइए, लास्ट एक महीने का। कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट की थी और पहली बार उन्होंने एनालिस्ट मीट की थी किर्लोस्कर डे के हिसाब से, के नाम से, और सारे बिजनेसेस के ब्यौरा दिया। किर्लोस्कर ऑयल इंजन एक महीने में 40% चला है, अच्छे मोमेंटम में। बट अगर आप इसका 5 साल या 10 साल ग्राफ देखें तो ये बहुत बड़े एक साइडवेज मूवमेंट के बाद धीरे धीरे बाहर आ रहा है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। आपने एनालाइज किया क्या इनका बिजनेस या इनकी कॉमेंट्री? ये देखिए, कुछ किया ही नहीं स्टॉक ने 5 साल से। अविनाश, कोई व्यू किर्लोस्कर ऑयल इंजन पे? नहीं बिल्कुल, देखिए अजय, एक गुड सेक्टर एक बहुत बड़े एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद रिकवर हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि इट इज नॉट ओनली किर्लोस्कर ऑयल। आप दूसरे कैपिटल गुड कंपनीज को देखोगे तो यही यू नो ट्रेंड लाइन अभी दिख रही है। मेरे ख्याल से जो किर्लोस्कर डे पे जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री थी वो तो अच्छी थी, लेकिन ऑर्डर बुक बहुत अच्छी लेवल पे है। इनफैक्ट कमोडिटी प्राइसेस, स्टील प्राइसेस अभी सॉफ्ट हो रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एंड यूजर सेक्टर्स है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ रहा है। इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर एग्री सेक्टर में भी है, करीबन 30-40% एग्री रिलेटेड यू नो सेगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, प्लस दूसरे जो इंजीनियरिंग सेगमेंट्स है वहाँ पे डिमांड आती है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। आने वाले 1.5-2 साल में जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी वो शायद मार्केट्स को पूरी तरह से सरप्राइज करेगी ऑन द अपसाइड, और कहीं ना कहीं मार्केट्स ये देख रहा है कि कॉर्पोरेट कैपेक्स अगर बढ़ता है तो इसका बेनिफिट कैपिटल गुड्स प्लेयर जैसे किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को भी मिलेगा। तो डेफिनेटली वर्थ वाइल टेकिंग अ शॉट एट द करंट लेवल, बट नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रखें। एक, चार्ट चेक हाँ भी है। बिल्कुल, एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। प्रशांत, जरा आप इस शेयर को देखिए, भी चल रहा है 227 का। चार्ट मैंने ड्रॉ भी कर दिया है, जरा मेरा चार्ट भी स्क्रीन पे लेके आएगा। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला, एक तो ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन रहा है। दूसरा, इसके अंदर अब बेस काफ़ी स्ट्रांग बन गया, जो हमने ग्रीन के लाइन्स ड्रॉ की हुई है। एक बार बताएंगे 270 हो जाएगा ना, ये चांसेस कितने हाई हैं कि 270 हो जाएगा? डिम्पी जी, डेली चार्ट पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है और मैं खुद इस स्टॉक को काफी वक्त से ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक जब चलता है ये तुरंत, इसकी एक खासियत रही है, बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करता है, बट जब चलता है तो 1 से 1.5 महीने में 40-50% रिटर्न दे देता है, जो इस बार भी हुआ है। और मुझे लग रहा है फिलहाल आप एक स्टॉप लॉस बनाए रख सकते हो करीबन 205-200 के जोन में, और मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली एटलीस्ट कम से कम 265-270 के जोन तक जाने के लिए तैयार है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, बिल्कुल होल्ड कीजिए, और अगर आप निवेश करना चाहते हो तो डीप पे इन्वेस्ट भी कर लीजिए।